अध्यापक संयुक्त मोर्चा के इस ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन में भोपाल के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता दैनिक भास्कर .com के साथ हैं। गुप्ता जी बताएं, आपके कितने लोग आज इस धरने में रहेंगे? आज इस धरने में करीब भोपाल जिले से 500 अध्यापक धरने में रहेंगे। और आप, ये धरना रोज चलेगा या इसका क्या रूपरेखा है? ये धरना पूर्व डिसाइड है और आज पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन है। आज खत्म हो गए, हाँ, आज ब्लॉक आज ज्ञापन देकर खत्म हो जाएगा और अगली कड़ी में जिला स्तरीय 3 फरवरी को धरना दिया जाएगा। आपका नाम बताएं? संजय शर्मा। संजय भाई, आप इसमें आए तो आपके साथ आपको कैसा लग रहा है? मतलब कि कुछ मांगे पूरी होने की संभावना दिख रही है क्या? सर देखिए, हमें तो कम से कम जो है 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत त्रस्त हैं। आम जो अपना हमारा अध्यापक साथी है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग उस पढ़ाई की ओर न होकर के हमें अपना परिवार और हमारी जो सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो खोती जा रही है। तो हम अपने पद और गरिमा के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि शासन हमारी और मांगों का निराकरण करे और हमें कम से कम कुछ सम्मानजनक वेतन दे सके जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और हमारा जो दिमाग है वो हम अपनी बच्चों की पढ़ाई में, गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा सकें। धन्यवाद।